लॉकडाउन का ज़माना है, मस्जिदें और धर्म स्थल बंद हैं, इसलिए ऐसे लोग जिनका घर बार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इबादत किस तरह करते होंगे, इसका अंदाज़ा तब हुआ जब हमने बिलासिस रोड डाकपाड़ा पर अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक शख्स को सड़क किनारे ही चादर बिछाकर इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। फुटपाथ के एक कोने में चादर बिछाकर ये बुज़ुर्ग शख्स इशा की नमाज़ पढ़ रहा था। जिनके घर बार हैं, ठिकाने हैं, अगर मस्जिदें और इबादत गाहें बंद हों तो उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जिनका कोई ठिकाना नहीं, इनके लिए नमाज अदा करना, इबादत करना भी बड़ा मसला हो सकता है, जैसा कि इस वीडियो क्लिप से जाहिर है। आज आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में सहूलत दी जा रही है, बाज़ार कारोबार खुल रहे हैं, इसलिए अब मस्जिदों, मंदिरों और इबादत गाहों को भी भले ही शर्त लगाकर लेकिन खोलना ज़रूरी है, ताकि ऐसा मंज़र फिर कहीं दिखाई न दे।